भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भुसावल तहसील ऑफिस में सभी मुस्लिम समाज की तरफ से निवेदन। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुस्लिम समाज के धर्म गुरु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाकर बीच चौराहे पर लगाने की बात कही है, जिससे पूरे मुल्क में मुस्लिम समाज की भावना दुखी है। वहीं पूरे मुल्क में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज भुसावल शहर में सभी मुस्लिम समाज की ओर से फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वो मांग की गई कि भारत में जितने भी फ्रांस के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उसे बंद किया जाए और फ्रांस सरकार पर दबाव बनाकर उसके इरादों को नाकाम करे और जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कार्टून बनाया है उसे नष्ट तोड़कर सभी मुस्लिम समाज से माफ़ी मांगी जाए। निवेदन देते समय मौलाना अब्दुल हकीम, मौलाना गुलाम जिलानी, माजी नगर सेवक साबिर मेंबर जुनेद अशरफ खान, अकबर गोली, रेहान कुरेशी, मुनव्वर खान, नज़र भाई, यूनुस मामा, वो सभी मुस्लिम समाज के नागरिक मौजूद थे। बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए मुबारक खटिक के साथ सद्दाम हुसैन खटिक की रिपोर्ट। वैसे हमारे खुशी का दिन था, ईद मिलादुन्नबी का दिन बहुत खुशी का दिन है। ईद से ज़्यादा खुशी हमारे समाज में इस दिन पाई जाती है, लेकिन इस जालिम ने, फ्रांस के राष्ट्रपति ने, जो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके उनका कार्टून चौराहे पर लगाने का जो उसने ऐलान किया, ये ऐलान करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल के ठेस पहुँचाया है। इसलिए मैं हम लोग सब उसके इस कारनामे से बहुत दुखी हैं और हमारी हुकूमत हिंद से, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से गुजारिश है कि उस जालिम के जितने बनाई हुई चीज़ें हैं इस हिंदुस्तान से उसे बाइकॉट किया जाए और उस पर दबाव बनाया जाए ताकि वो अपना फैसला वापस ले।